नंगल से लेकर कीर्तपुर तक सारे बॉर्डर एरिया के एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा में ढील को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं नैना देवी हल्के के विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर एरिया के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की फुल मैन पावर न होने से असामाजिक तत्व पंजाब व हरियाणा सहित अन्य जगहों में वारदातों को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए बड़ी आसानी से प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर लेते हैं। चंगर एरिया को आपराधिक तत्वों ने छिपने के लिए सबसे सेफ जगह बनाया है, जिसके चलते चंगर क्षेत्र के लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। पिछले कुछ समय में एक के बाद एक घटनाएं इसका जीता जागता प्रमाण है और नैना देवी घटना से भी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व डीजीपी से बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाने की वकालत की है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में रामलाल ठाकुर ने कहा कि टोबा और कैंची मोड में पुलिस की चेक पोस्ट है, लेकिन दोनों की ही हालात दयनीय है। पुलिस बॉर्डर एरिया की सही ढंग से निगरानी नहीं की जा रही है, यही कारण है कि शातिर अपराधी बाहरी राज्यों से प्रदेश की सीमा में घुस रहे हैं। वैसे भी नैना देवी उत्तर भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। ऐसे में प्रदेश के बॉर्डर एरिया में ढीली सिक्योरिटी के चलते शातिर कभी भी नैना देवी पहुंचकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि जब टोबा में चेक पोस्ट है तो फिर पंजाब में वारदात को अंजाम देकर चाइना मेड पिस्टल के साथ अपराधी नैना देवी तक कैसे पहुंच गए। क्या टोबा में पुलिस ने उनकी गाड़ी चेक नहीं की है? क्या पुलिस उस समय ड्यूटी पर तैनात नहीं थी? अपराधियों का पीछा करते करते पंजाब पुलिस ने नैना देवी पहुंचकर अब तक अपराधियों को दबोचा और इस घटना में एक अपराधी मारा गया, लेकिन हिमाचल पुलिस अपनी नींद से कब जागेगी? उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा बार बार ऐसी घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। राज्य में भाजपा सरकार को सत्ता में आए 7 माह की अवधि बीतने के बाद भी नैना देवी ट्रस्ट में मंदिर अधिकारी के नियुक्ति नहीं हो सकी है। इस अवधि में ना तो मंदिर ट्रस्ट की एक भी बैठक का आयोजन हो पाया है और ना ही ट्रस्ट के गठन को लेकर कवायद शुरू की जा रही है। ऐसे हालात में विकास कार्य ठप है तो वहीं नए कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। पता चलता है कि कुछ चहितों को ट्रस्ट का मेंबर बनाने के लिए जानबूझकर मंदिर ट्रस्ट के गठन में लेट लतीफी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बाबत नोटिफिकेशन तो नहीं हुई है, लेकिन सरकारी स्तर पर फाइल जरूर रिव्यू हो चुकी है। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने मंदिर ट्रस्ट के गठन में हो रही देरी को लेकर मंदिर न्याय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। जो नैना देवी में एक घटना घटी थी, जो पंजाब पुलिस और कुछ असामाजिक तत्वों के बीच में जो फायरिंग हुई, उसमें एक आदमी मारा गया, ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको अगर देखें और प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, ऐसा लगता है कि हमारे जो बॉर्डर के एरिया हैं उन सारे क्षेत्रों में जो है वो सिक्योरिटी जो है वो ठीक ढंग से होनी चाहिए, और ताकि जो बाहर से इस प्रकार के लोग आते हैं उनको जो है वो रोका जा सके और हिमाचल प्रदेश की ज़मीन को जो है वो असामाजिक तत्व उसके लिए प्रयोग न करें। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा और पुलिस के जो प्रमुख है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आज ये नैना देवी की घटना जो है वो कोई साधारण घटना नहीं है, और इस घटना से मैं ये भी नहीं कहूँगा, ये किसी को क्रिटिसाइज करने की बात भी नहीं है, लेकिन हमारे को सुधार करने की आज आवश्यकता है। आज हुआ यह है, अगर इस घटना के बारे में आप सोचें तो कारण क्या है कि चाइना का मेड जो वेपन है वो नैना देवी में ये जो लोग जो है फिरौती का काम करते थे, गाड़ियां चुराने का काम करते थे, या कोई ऐसे असामाजिक तत्व है जिनका सुबह से शाम तक यही काम है, वो नैना देवी में कैसे पहुंची है? नैना देवी के नीचे अगर टोबा का देखा जाए, टोबा में हमारा चेक पोस्ट है पुलिस का, तो वहां से वेपन लेके अगर आ गया तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा पुलिस का जो चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट के लोग क्या करते हैं, क्या वो इसके बारे में सजग नहीं थे? और अगर मान लो वेपन आ गया तो पुलिस का क्या काम है, फिर क्या चेकिंग वहां पे होती है? भी है नैना देवी में, कारण क्या है कि 7 महीने से वहां पे जो टेम्पल ट्रस्ट है वो भंग कर दिया हुआ है, देयर इज नो टेम्पल ट्रस्ट। और साथ में जो है ये भी है कि
जो लोग यहाँ पे उस एरिया में जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, अभी पीछे क्योंकि श्रावणाष्टमी का मेला हो रहा है, इसमें इस मेले के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग करी, अधिकारी गए, तो टेम्पल ट्रस्ट जब है ही नहीं तो पंचायत के प्रधानों को लेकर मीटिंग हो रही है कि हमने किस प्रकार से इस मेले को सफल बनाना है। इस सरकार ने आते ही 20 की जगह पर 25 ट्रस्टी जो है वो उनकी संख्या भी बढ़ा दी। क्या जरूरत थी, लेकिन चलो जो भी हो, लेकिन सरकार ने वो संख्या बढ़ाई है, लेकिन उनकी भी तैनाती नहीं हो रही है। जब आपका ट्रस्ट ही नहीं बन रहा है, ट्रस्ट के काम नहीं हो रहे हैं, आपका जो वहां पे टेम्पल ऑफिसर है वो कितने महीने से खाली पड़ी हुई जगह वो उसको नहीं भरा जा रहा है, अब कैसा आदमी चाहिए भी वहां पे, जिसके लिए जो है वो सरकार चिंतित है कि फलां जो है गुणों वाला आदमी नैना देवी ट्रस्ट में जाएगा।